उधर गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात मोदी नगर थाना क्षेत्र के कादराबाद इलाके में हुई। मृतक महिला के परिवार की शक के आधार पर पड़ोसी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या का कारण पुरानी पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में महिला के हत्या से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश में मर्डर की आशंका, जिसको लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। महिला की चाकू से गोदकर की गई हत्या, तो पारिवारिक रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया है। पुरानी रंजिश के मामले में इस मर्डर की आशंका जताई गई है और पूछताछ की जा रही है। शक के आधार पर पड़ोसी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या का कारण पुरानी पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश में मर्डर की आशंका, जिसको लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। महिला की चाकू से गोदकर की गई हत्या, तो पारिवारिक रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया है। पुरानी रंजिश के मामले में इस मर्डर की आशंका जताई गई है और पूछताछ की जा रही है। शक के आधार पर पड़ोसी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या का कारण पुरानी पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश में मर्डर की आशंका, जिसको लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। महिला की चाकू से गोदकर की गई हत्या, तो पारिवारिक रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया है। पुरानी रंजिश के मामले में इस मर्डर की आशंका जताई गई है और पूछताछ की जा रही है। शक के आधार पर पड़ोसी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हत्या का कारण पुरानी पारिवारिक रंजिश बताई जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। पुरानी रंजिश में मर्डर की आशंका, जिसको लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। महिला की चाकू से गोदकर की गई हत्या, तो पारिवारिक रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। पुरानी पुलिस ने पड़ोसी को हिरासत में लिया है। पुरानी रंजिश के मामले में इस मर्डर की आशंका जताई गई है और पूछताछ की जा रही है।